हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। तो मैंने अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि आप लोग मेरा कौन सा रूटीन देखना चाहते हो, लाइक डेली रूटीन, स्किन केयर, हेयर केयर और एक और था, याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो आप लोगों ने ज़्यादातर वो डेली रूटीन पर क्लिक किया था, तो मैंने सोचा चलो आज डेली रूटीन ही अपना शेयर कर देते हैं। तो मैं बने रहना, अभी भाग मत जाना, पूरी वीडियो देख के जाना। और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी नहीं है अब, मतलब इस दुनिया में, तो जो घर की जिम्मेदारी है वो ज़्यादातर हम पे ही आ गई है, मतलब मुझ पे आ गई है, घर का काम वाम जो करती हूँ। तो और मेरी नानी भी करती हैं, पर आज नानी की तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं इंट्रो भी बाद में शूट कर रही हूँ, ये पूरा ब्लॉग व्लॉग शूट करने के बाद, ठीक है, दोपहर में शूट कर रही हूँ। यही है कि उनकी कमी खलती है हमें, बस क्या ही कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोग ब्लॉग में बने रहना और ये ब्लॉग पूरा देखना शुरू से एंड तक, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हाँ यही बनाओ डेली रूटीन वीडियो, तो मैं डेली रूटीन वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो प्लीज़ वॉच कर लेना, और अगर से आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 2K YouTube फैमिली। 2K मतलब कि बहुत लोग होते हैं, मैंने तो देखे भी नहीं है 2K लोग, सिर्फ मैंने मोबाइल्स में ही देखे हैं, जो भीड़ उड़ लगी रहती है सब ऐसे देखते हैं। सो या गाइस, चलो डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, मेरा फेस देख सकते हो कैसे पोटैटो जैसा हो गया है, पता नहीं क्यों मैं मोटी होती चली जा रही हूँ। तो आप लोग मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो, कल रात को बारिश हुई थी बहुत, और ये देखो पत्तियाँ वत्तियाँ झड़ गई हैं। और मेरी नानी ब्रश करने जा रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आज पूरा दिन मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो देखो मैं किचन में जा रही हूँ और मैं लाइट ऑन कर दे रही हूँ क्योंकि अंधेरा था। तो देख सकते हो बर्तन वर्तन सब पड़े हैं, इसे धोना पड़ेगा अभी। तो फिलहाल मैं अभी पानी पीने जा, सॉरी पानी नहीं, पानी भी पी लूँगी एंड मुझे मेडिसिन लेनी है, जो कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसी के लिए मैं ये दवाई ले रही हूँ जो कि आयुर्वेदिक है, तो मैं इसको पी ले रही हूँ। खाली पेट लेना होता है इसे। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप लोग बताओ आपके यहाँ गर्मी लग रही है कि नहीं, क्योंकि आगरा में तो बहुत गर्मी लग रही है अभी से अप्रैल में ही। तो मैंने दवाई पी ली है, फिर मैं उसके बाद बर्तन धोने चली गई। देखो मैं कैसे फटाफट बर्तन धुल रही हूँ, जो कर रही हूँ गाइस ये तो मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो। वैसे सुबह का खाना नानी ही बनाती हैं ज़्यादातर, बट आज उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा कि रहने दो मैं कर लूँगी, और मैं कर भी लेती हूँ कभी कभी, मैं खुद ही बना देती हूँ और रात को भी मैं ही बना देती हूँ कभी कभी। पर मुझे ना इस किचन में ना बर्तन मांजना बहुत बुरा लगता है क्योंकि मच्छर काटते हैं मच्छर काटते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे खड़ा नहीं हो जाता है, पर काम तो करना ही पड़ेगा, और तो कोई है नहीं, हम ही दोनों हैं जो काम करते हैं घर का, अंशु भी नहीं करती है उतना। तो देख लो मैंने सभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं और सेट करके रख दिया है। अब इसके बाद ये देखो गैस कैसे बेकार पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी सफाई कर दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा चमक जाए, खाना इस पर बना सकें अच्छे से। कल ना गैस पे विवेक दूध गर्म कर रहा था तो दूध फैल गया था, तो उसी का ये था, तो उसे मैं साफ़ कर दे रही हूँ और पोछा भी लगा दूँगी स्लैब पे, तो आप लोग देख सकते हो साफ़ करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये काफ़ी पुराना मॉडल का गैस है, गैस कह रही हूँ, क्या बोलते हैं इसे, गैस चूल्हा, हाँ चूल्हा बोलते हैं। एंड अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ सबके लिए, तो सबसे पहले पानी ले लेंगे। मैं विधि बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे चाय बनाती हूँ, आप लोग कैसे चाय बनाते हो वो कमेंट में बता देना। तो मैं सबसे पहले पानी ले रही हूँ, और मैंने पैर कैसे रखा था टेप लगाने के लिए क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन था, तो पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है क्योंकि ज़्यादा लोग चाय नहीं पीते हैं, अंशु नहीं पीती है बस मेरे घर में चाय। एंड इसके बाद चाय पत्ती जाएगी,
देन उसके बाद चीनी जाएगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने अपनी चीनी डाल दी है। उसके बाद मैं तुलसी का पत्ता लेने गई थी, और इसे देखो ब्लॉग शूट कर रहा था। डेली डेली रूटीन, डेली रूटीन। मक्कार तो मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है इसमें, क्योंकि अदरक नहीं था। तुलसी पत्ता वाली चाय भी बहुत अच्छी लगती है गाइस। आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो मैंने मिल्क डाल दिया है इसमें, ये देखो अब चाय खोल गई है, इसे छान लेंगे। और क्या करना है, तो अब मैं ब्रश करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीना है, तो उससे पहले मैं ब्रश कर ले रही हूँ फटाफट से। और मैं आनंद से कुछ बात भी कर रही थी, ऐसे ही आलतू फालतू बात कर रही थी, कुछ सीरियस नहीं था। एंड ये जो मैं गिलास दिखा रही हूँ, ये मैं पीने वाली थी, बट इसको मैंने नानी को दे दिया पीने के लिए। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो, तो कार्टून लग रही हूँ मैं। तो आज मैं बनाऊँगी बैंगन आलू की सब्जी। एंड ये आटा है, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो विवेक लेकर आया है अभी मार्केट से, और मैंने चावल बिठा दिया है, चावल पक रहा है। तो अब मैं आलू छील ले रही हूँ, एंड देन उसको कट कर दूँगी। और ये मैं बार 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 इसलिए देख रही थी क्योंकि कूलर लग रहा था, हमारे घर पे कूलर लग रहा था। सो देखो मैं रोटियां बना रही हूँ, एक फुला के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये पहली रोटी थी, इसलिए अच्छे से नहीं फूली, बाकी सब अच्छे से फूली थी। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, उसके बाद मैं मेडिसिन ले रही हूँ। सॉरी गाइज, मैं खाना खाने का वीडियो शूट नहीं कर पाई। देन उसके बाद जो बर्तन हमने झूठे किए थे खाना खाने के बाद, वो मैं धुल रही थी, और मैं नहा के आ गई हूँ अब वापस। तो अब मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। सो गाइस, इसी वीडियो का मुझे इंट्रो वीडियो शूट करना था, उसी के लिए बस मैंने लिप बाम लगाया है एंड मॉइस्चराइज़र लगाया है, बस और कुछ नहीं। और मैंने आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो फिल किए हैं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मुझे उतना मेकअप करना पसंद भी नहीं है गाइस, क्योंकि इंस्टाग्राम का फिल्टर इज़ जिंदाबाद। सो गाइज देखो, मैं यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम रील वीडियो शूट करती हूँ। तो देखो ये मेरा ट्राइपोड है, अगर से आप लोगों को ये ट्राइपोड बाय करना है तो मेरी एक वीडियो है ऊपर आएगी अभी, आई बटन पे क्लिक करना तो दिख जाएगी। और देखो मैं वीडियो शूट करने चली। तो मैंने शाम को खाई थी चाउमीन एंड उसके साथ चाय, देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद रात हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जो हमने चाय वाय पिए थे उसके बर्तन बचे हुए थे, तो मैं उसे मांजने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना था, तो गाइस आज मैं डिनर में लौकी का भुजिया एंड रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि एक सिंपल खाना है, सिंपल ही खाना चाहिए ज़्यादातर। तो अभी मैं इंस्टाग्राम के कैमरे से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था उसका स्टोरेज एकदम फुल हो गया है, तो मैं अपने कैमरे से नहीं शूट कर पा रही थी, तो मैं इंस्टाग्राम के जो रील सेक्शन है उससे शूट कर रही हूँ ये वीडियो। फिर मैं ये एडिट करूँगी, मुझे न्यू फ़ोन लेना है एक, जल्द ले लूँगी इसी महीने में। एंड गाइस, मैं सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन आज जो ब्लॉग बनाया था ना, वो एडिट करने लग गई थी मैं, और मेरे फ़ोन में जो स्पेस है ना, वो स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं वही वीडियो वगैरह डिलीट कर रही थी फालतू जो पड़े हुए थे। तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं वीडियो ही वीडियो बनाती रहती हूँ, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। ये तो मुझे ब्लॉग शूट करना था, इसलिए ये लंबा ब्लॉग बन गया होगा आई होप।
इट्स ओके, देख लेना इसे। सो गाइस, अभी रात हो गई है और मैंने डिनर में बनाया है लौकी का भुजिया और रोटी, तो उसे खाएंगे और फिर सो जाएंगे, फिर वही दिन रिपीट करेंगे। सो या गाइस, ये मेरा ब्लॉग था डेली रूटीन, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर से अच्छी लगी है डू लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लेना। ओके, बाय। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली।